नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। इसी से जुड़े कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में और सूर्य से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य जितना बड़ा और कोई भी नहीं। सूर्य इतना बड़ा है कि उसके सामने हमारी पृथ्वी या और कोई दूसरा ग्रह किसी खेलने वाले बच्चों के कंचे जैसे लगते हैं। और इसी सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए इसरो ने आज अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जो सूरज के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाएगा। L1 पॉइंट से ये सीधे सूरज पर नजर रखेगा। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को तकरीबन 4 माह की यात्रा करनी होगी। रास्ते में कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका इसे सामना करना होगा। हम आपको बता दें कि L1 पॉइंट उन पॉइंटों का समूह है जिन्हें लैंग्रेज या पार्किंग पॉइंट कहा जाता है। ये वे पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ना के बराबर होता है, और इसी कारण से इसरो ने आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर भेजने का निर्णय लिया है, जहां से यह सूर्य पर बिना किसी दखल अंदाजी के नजर रखेगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके धरती और सूरज के बीच स्थित L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। सूरज की परिक्रमा नहीं करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में लोग जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। इसरो का यह स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहेगा। आप सभी ने कभी किसी भी सैटेलाइट को अगर देखा होगा तो चक्कर लगाते हुए ही देखा होगा, पर आदित्य L1 ऐसा नहीं करेगा, जो इसे बहुत खास बनाता है। ये एक जगह रहकर सूर्य पर 24 घंटे नजर रखेगा, जिससे अगर कोई भी बदलाव सूर्य की उस जगह में होता है तो आदित्य L1 उसे एकदम से कैप्चर करेगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 को धरती की निम्न कक्षा में पहुंचाया जाएगा। यहां धरती की परिक्रमा करने के बाद वह ऑन ऑर्बिट बदलेगा, और यह सफर पूरा करने के बाद इसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर L1 में इंजेक्ट किया जाएगा। यहां से यह L1 की हेलो कक्षा में पहुंचकर स्थिर हो जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक इस प्रक्रिया में तकरीबन 125 दिन लगेंगे। इस बीच इसरो के वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रखेंगे। रहस्यमयी तारा है सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का सबसे रहस्यमयी तारा माना जाता है। ओसामिया यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट की चीफ शांति प्रिया ने समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया है कि सूर्य एक ऐसा तारा है जिस पर सभी ग्रह निर्भर हैं। अब तक कई देश सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन भारत पहली बार ये करने जा रहा है, जो टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया। चुनौतियां भी कम नहीं। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जिसकी राह में कई चुनौतियां भी हैं। पूर्व नासा साइंटिस्ट डॉक्टर मिला मित्रा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट पर जाएगा। यह पॉइंट स्टेबल होता है, जहां से लगातार सूर्य पर नजर रखिएगा। इसका सबसे बड़ा चैलेंज वहां पहुंचना ही है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर और रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सूरज के ताप से बचाना सबसे पहली चुनौती है। इस मिशन की सफलता के साथ भारत भी ये दिखा देगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में वह किसी से पीछे नहीं है। इन रहस्यों का पता लगाएगा आदित्य L1। पूर्व नासा साइंटिस्ट डॉक्टर मिला मित्रा के मुताबिक आदित्य L1 सूरज के सभी लेयर्स, सोलर वेदर, कोरोनल मास इंजेक्शन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर आदि के बारे में पता लगाएगा। इसका खास मकसद सोलर स्टोन्स और सोलर वेदर को लेकर है, क्योंकि आसमान में हमारे कई सैटेलाइट और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। ऐसे में सूरज के मौसम को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने सैटेलाइट और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को बचा सकते हैं। यहां बचाने का मतलब सूर्य की उन किरणों से है जो कहीं बार हमारे सैटेलाइट्स को खराब कर देती है, जिनके बाद वे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष का कचरा बनकर रह जाती हैं।
आपको पता ही होगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित जिन किरणों के बारे में अभी तक हम खोज पाए हैं वो हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्सरेज और गामा रेज। पर फिर भी ये सूर्य से निकलने वाली सारी किरणें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस अंतरिक्ष को हमने जब भी जानने की कोशिश की है उसने हमें हमेशा अपने रहस्यों से आश्चर्यचकित किया है। आदित्य L1 इन्हीं रहस्यों का खुलासा कर सकता है और हमें सूर्य के बारे में एक नई झलक दिखा सकता है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको बताते हैं एक और रहस्य। क्या आपको पता है सूर्य इस अंतरिक्ष का सबसे बड़ा सितारा नहीं है, बल्कि सूर्य से हजारों लाखों बड़े हमारे इस अंतरिक्ष में ना जाने कितने सितारे हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर हमें बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और मजेदार वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद।